सीतापुर में एक पत्नी का अपने पति को शराब पीने से रोकना भारी पड़ गया। शराबी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बच्चों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या की तहरीर देकर केस दर्ज कराया है। बता दें कि मामला रेउसा थाना के देवरिया गांव का है, जहां देर रात पति पत्नी के बीच आपसी झगड़े के बाद सुबह पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि पति राजू शराब का आदी था और शराब पीकर आपे से बाहर हो जाता था। परिजनों ने बताया कि देर रात फिर वह शराब पीकर घर आया और पति पत्नी में काफी देर तक लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद सुबह तड़के पति ने पत्नी के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के समय घर में मौजूद बच्चे और अन्य लोग सो रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर पति मौके से फरार हो गया। सुबह जब बच्चों ने मां को खून से लथपथ देखा तो मामले की सूचना गांव वालों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। आज दिनांक 27 जुलाई 2024 को जनपद सीतापुर के थाना रेउसा पुलिस को प्रातः करीब 9 बजे यह सूचना मिली कि ग्राम गुडरडुआ के रहने वाली एक महिला, जिनकी उम्र करीब 40-45 वर्ष है, कि उसके पति ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस उच्चाधिकारीगण मौके पर आए, साथ ही फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलवाया गया है। प्रकरण के बारे में जानकारी करने पर यह मालूम हुआ कि इस महिला का अपने पति के साथ लगातार विवाद रहता है। इसका पति आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो पूर्व में भी अवैध शराब बनाने के आरोप में 2-3 बार जेल जा चुका है। और यह जानकारी मिली कि बीती रात्रि में इसके पति ने धारदार हथियार से और शार्प वेपन से इसके सर पे चोट मार करके इसकी हत्या कर दी है। मृतका के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पे अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। सब को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सभी अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।